हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन कौन भाई, कौन कौन खिलाड़ी हैं हमारे जो सुबह सुबह उठ गए हैं? सो वी हैव कुंदन, गोपाल, अरुण, अंकुर, राहुल, रंजन, संदीप, गोलू बाबू, ओके, अनुज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल चैंपियंस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फटाफट से ग्रुप्स में शेयर कर दो और जल्दी जल्दी आ जाओ, हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज वोकैबलरी भी होगा, ओके? अभी 6:30 से 7:30 हम लोग ग्रामर करेंगे, फिर 7:30 से 8:30 हम लोग वोकैबलरी करेंगे। फटाफट से सारे बच्चे एक बार ग्रुप्स में शेयर कर दो। चलो ठीक है भाई। हाँ, खांसी है और खांसी के साथ साथ क्लास भी ले लेके थोड़ी आवाज भी बैठ गई है। चलो आ जाओ। सो रिमेम्बर स्टूडेंट्स, अनअकैडमी का ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, क्योंकि हम लोग मॉक्स, काफ़ी सारे स्पेशल क्लासेस और मॉक्स भी ले रहे हैं। जैसे आपका यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, वैसे ही वहाँ पे भी आपका। एंड दीज आर द डिफरेंट प्लान्स आपके ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, बिल्कुल बेसिक से जिस बच्चे को तैयार करनी होती है, तो वो ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, इन्हें ले सकता है। और सुमन 10 कोड यूज़ करके डिस्काउंट भी पा सकता है काफ़ी सारा। अगर आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस, ये सब आपके फायदे, आपको ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्री क्लासेस जो बहुत सारे हैं, उन फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए सुमन 10 कोड आपको यूज़ करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है? चलो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। शी इज मोर इंडस्ट्रियस दैन She is more industrious than ऑप्शन है आपके सामने। She is more industrious than me, mine, I या myself. She is more industrious than me, mine, I या myself. ओके, देखो, मी का मतलब है मुझे, ठीक है? मी का मतलब है मुझे, ठीक है? माइन का मतलब है मेरा, आई का मतलब है मैं, और माई सेल्फ का मतलब है खुद। माई सेल्फ का मतलब है मैं खुद, ठीक है? हम कहते हैं ना, मैं खुद, मैं स्वयं, तो यही वाला मीनिंग है माई सेल्फ का। अब आप खुद ही देखिए, शी इज मोर इंडस्ट्रियस देन आई। इसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं बच्चों, इसे हम ये सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है? ये पोजेसिव है और ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हमें यहाँ पर, क्योंकि कंपैरिजन हमने किया है, किससे कंपैरिजन किया है? शी से। शी क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन आपका लिखा जाएगा वो सब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाएगा। अगर सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा है तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा है तो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। यानी कि आपको सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज करना है, दैट इज ऑप्शन सी।
सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आपका आंसर होगा और वो है आपका ऑप्शन सी, ये याद रखना आप सब, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पे अगर ऑप्शंस आ गया, शी इज मोर इंडस्ट्रियस देन ही या हिम, फटाफट से बता दो आंसर क्या होगा। ही शी इज मोर इंडस्ट्रियस देन ही कहोगे या हिम? शी इज मोर इंडस्ट्रियस देन ही या हिम? आंसर क्विकली, वेरी गुड, सब्जेक्टिव केस वाला आंसर होगा। गंगाराम फिर से गलत आंसर दे रहे हैं, बहुत बच्चे फिर से अभी भी हिम। देखो बेटा ये तो ऑब्जेक्टिव केस है आपका, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि आपका कंपैरिजन सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ में हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आएगा फिर से। अच्छा चलो एक एक और क्वेश्चन बता दो, शी इज मोर इंडस्ट्रियस देन वी या अज? शी इज मोर इंडस्ट्रियस देन वी या अज? वेरी गुड, आंसर आएगा वी, आंसर आएगा वी। चलो एक और बता दो इसी बात पे एक और बता दो, शी इज मोर इंडस्ट्रियस देन देम या दे? शी इज मोर इंडस्ट्रियस देन देम या दे? एक और बता दो भाई इसी बात पे, एक और हो जाए सुबह सुबह। शाबाश, बहुत अच्छे, देम है आपका ऑब्जेक्टिव केस, दे है आपका सब्जेक्टिव केस, तो आंसर आएगा दे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, आई सॉ ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द रॉबर्स, हु वर रनिंग आफ्टर द रॉबर्स, रॉबर्स यानी चोर, हम हिंदी में बोलते हैं मैंने सिर्फ 5 पुलिस देखी जो चोर के पीछे भाग रही थी, ठीक है। लेकिन आई सॉ ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द रॉबर्स, इसमें किस पार्ट में एरर है बच्चों, किस पार्ट में लग रहा है कि यहां पे एरर है, कौन से पार्ट में दाल में काला लग रहा है? ओके, आई सॉ ओनली 5 पुलिस, ठीक है भाई, कुछ बच्चों को ए लग रहा है, कुछ बच्चों को सी लग रहा है, लेकिन काफी सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया है। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पुलिस हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके सामने नंबर लिखा है तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको मेन, ठीक है, अगर यहां पे नंबर लिखा है तो उसके सामने आपको लिखना पड़ेगा मेन, ठीक है। पुलिस अपने आप में ही एक कलेक्शन है, पुलिस अपने आप में ही एक कलेक्शन है, राइट। सो अगर आपने यहां पे 5, 6, 7 कोई भी नंबर लिख दिया, इसे सही लिखने के लिए, इसे सही करने के लिए आपको यहां पे आगे मेन वर्ड ऐड करना पड़ेगा। So I saw only 5 policemen who were running after the robbers. ठीक है, वर बिल्कुल सही है आकाश, बेटा वर तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर मान लो यहां पे 5 ना होता तो पुलिस सही था, और पुलिस के साथ आपको हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करना है, पुलिस के साथ आपको हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करना है। द पुलिस हैव अराइव्ड कहेंगे, द पुलिस हैज अराइव्ड नहीं, ठीक है, पुलिस हैव अराइव्ड कहेंगे। ओके, सो आई सॉ ओनली पुलिस, ओनली पुलिस नहीं, हमें तो नंबर बताना था, क्योंकि हम नंबर बता रहे हैं 5, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आपको हटाना नहीं है, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपने सेंटेंस को सही किया और यहां पे लिख दिया है मेन, ठीक है, और क्योंकि 5 थे तब तो ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल है तो प्लूरल 5 है, इसके साथ में वर आएगा ही आएगा, ठीक है, क्लियर है एवरीवन। नाउ द नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, ही हैज पुट डैश द मीटिंग, ही हैज पुट डैश द मीटिंग, ये लो आंसर, ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, ही हैज पुट अप,
ही हैज पुट ऑफ, ही हैज पुट अवे या ही हैज पुट आउट, सभी फ्रेजल वर्ब्स आपको बताए हैं, सभी फ्रेजल वर्ब्स आपको बताए हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। जिन बच्चों को याद है, जो बच्चे रेगुलर है, एकदम सही करेंगे। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, पुट अप का मतलब क्या है? पुट अप मतलब, पुट अप मतलब रहना, कहीं पर रिसाइड करना, रहना कहीं पर, रहना। पुट अप मतलब कहीं पर रहना। ही हैज पुट अप द मीटिंग, तो मीटिंग रह रहा है। पुट ऑन वेयर है, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, पुट ऑन वेयर। पुट अप रिसाइड, पुट ऑफ डीले, टालना, पोस्टपोन करना, डीले करना या पोस्टपोन करना। मीटिंग को पोस्टपोन किया, मीटिंग को डीले किया, ये हो सकता है। पुट अवे मतलब नजर से हटा देना, नजर के सामने से हटा देना उसे, ठीक है। कीप अवे, दूर रखना, पुट अवे। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए तो आप बोलोगे यार पुट अवे ऑल दीज बुक्स, ये सारी किताबें हमारे नजरों के सामने से हटाओ, बहुत इन लोगों ने दिन रात जगाया है। बट खैर, आप उनके शुक्रगुजार भी होंगे, क्योंकि उन्हीं किताबों की बदौलत और ऑफकोर्स आपके आपके मेहनत की बदौलत आपकी सिलेक्शन हुई होगी, है ना। सो ही हैज पुट अवे, पुट अवे का मतलब होता है दूर हटा दो, नजर के सामने से हटा दो, ठीक है। कीप अवे। पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश। बच्चों इस वर्ड का मतलब भी समझो, एक्सटिंग्विश मतलब बुझा देना, जैसे हम बत्ती बुझाते हैं, हम आग बुझाते हैं, हम उसे कहते हैं पुट आउट। एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मतलब बुझा देना। तो उसने मीटिंग बुझा दी, ये भी नहीं है। उसने मीटिंग को दूर हटा दिया, नहीं। उसने मीटिंग को डीले किया, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका आंसर क्या होगा? CBSE पुट ऑफ द एग्जामिनेशन विकुल। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन क्लियरली इंडिकेट दैट बोथ द कंट्रीज विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कमिंग टाइम। अरे ये टाइम कैपिटल कैसे हो गया, इसको स्मॉल ही लिखेंगे, ये किसी का नाम थोड़ी है कि कैपिटल बना दिया। टाइपिंग एरर है ये। इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन, इंडिया और चाइना की मौजूदा परिस्थिति क्लियरली इंडिकेट दैट बोथ द कंट्रीज विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कमिंग टाइम। चलो बच्चों ये आंसर बता दो। अरे बहुत बढ़िया, तुम लोग तो खिलाड़ी हो यार, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खतरनाक, शानदार, मजा ही आ गया। सुबह सुबह इतने अच्छे आंसर्स, बहुत ही बढ़िया। देखो बिल्कुल हम इंडियाज एंड चाइनाज कहेंगे, क्योंकि ये जो प्रेजेंट कंडीशन है दोनों की अलग अलग है ना। इंडियाज एंड चाइनाज, इनकी जो प्रेजेंट कंडीशन है ये अलग अलग है दोनों की, तो दोनों के साथ में अपोस्ट्रोफी एस आएगा, दोनों के साथ में अपोस्ट्रोफी एस आएगा, ठीक है। जैसे राम और श्याम दो भाई हैं, राम एंड श्याम दो भाई हैं, दोनों भाई एक ही घर में रहेंगे, ठीक है, शादी से पहले तो कम से कम एक ही घर में रहेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? राम एंड श्याम्स हाउस। जब तक मम्मी पापा के साथ हैं तब तक एक ही घर में रहेंगे। बड़े हो गए, दोनों ने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से की, बहुत अच्छे से तैयारी की, राम नेवी में सिलेक्ट हो गया और श्याम एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गया, दोनों की पोस्टिंग अलग अलग आ गई। अब दोनों का घर जब अलग अलग हो जाएगा तब हम लिखेंगे राम्स एंड श्याम्स,
राम्स एंड श्याम्स, राम्स एंड श्याम्स। अब दो घर हो गए, दो घर हो गए, तो इसलिए हम लिखेंगे राम एंड श्याम्स हाउसेज। ठीक है, ओके, शाबाश, बहुत अच्छे। अब यहां पे भी देखो, ये जो कंडीशन है ये दोनों की है, इंडिया की भी और चाइना की भी, इसीलिए आपने लिखा इंडियाज एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन, दोनों के कॉमन कंडीशन, कंडीशन दोनों का तो सेम ही नहीं हो सकता है ना। चलो बहुत बढ़िया। मोर देन 20 इयर्स हैव पास्ड नाउ डैश आई हैड माय फर्स्ट फ्लाइट। टेंसेस का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मोर देन 20 इयर्स हैव पास्ड नाउ डैश आई हैड माय फर्स्ट फ्लाइट। हैव योर फर्स्ट फ्लाइट का मतलब होता है पहली बार विमान में बैठना। मोर देन 20 इयर्स हैव पास्ड नाउ डैश आई हैड माय फर्स्ट फ्लाइट। ओके, ए और बी में कंफ्यूजन। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। देखो यहां पे आपने क्या यूज किया है, प्रेजेंट परफेक्ट। लगभग लगभग 20 साल हो चुके हैं, और ये 20 साल कब से गिनना शुरू किया तुमने, कब से गिनना शुरू किया भाई, जब पहली बार तुम एरोप्लेन में बैठे थे, जब पहली बार फ्लाइट में बैठे थे, तब से तुम अभी तक की बात बता रहे हो। सो जब शुरुआत हमें पता है तो हम लिखेंगे सिंस, सिंस आई हैड माय फर्स्ट फ्लाइट। जब से पहली बार मैं फ्लाइट में बैठा था तब से लेके आज 20 साल बीत चुके हैं। आप तो बोलेंगे अरे मैम फ्लाइट में बैठना तो क्या, हमें तो पैदा हुए ही 20 साल हुए हैं, है ना। और अभी आप में से बहुत सारे होंगे जिनको पैदा हुए भी 20 साल नहीं हुए हैं और इसको तो फ्लाइट में बैठे 20 साल हो चुके हैं। ओके, सो यस द आंसर इज ऑप्शन ए, द आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, पॉन्टी हुआ ही नहीं है। चलो, सो मोर देन 20 इयर्स हैव पास्ड नाउ सिंस आई हैड माय फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्स ऑफन एक्ट इन डैश विथ द पुलिस, रॉबर्स ऑफन एक्ट इन डैश विथ द पुलिस। देखो यहां पे सिर्फ पुलिस लिखा है तो सही है, यहां पे अगर फाइव होता तो क्या करेक्शन करते आप, यहां पे अगर फाइव होता तो क्या करेक्शन करते, फटाफट से बता दो एक बार। सिक्स थर्टी वाली ये क्लास, नाइट मेकर दो, रनिंग का टाइम होता है, थोड़ा और सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाना, नाइट में क्लास के टाइम पे ना खाना खा के सो जाना, सुबह थोड़ा और जल्दी उठो, रनिंग करके आ जाओ। यार गर्मियां शुरू हो गई, 6:30 बजे कौन दौड़ने जाता है, 6:30 बजे तो वापस आने का टाइम है। शाबाश, हम लिखेंगे यहाँ पे फाइव पुलिसमैन, ऐसे लिख के हम इसे करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो अभी आ जाओ। रॉबर्स ऑफन एक्ट इन डैश विथ द पुलिस। चलो आंसर बता दो, ये अभी हम लोग ने वोकैबुलरी वाले क्लास में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ऑफन एक्ट इन कोल्यूजन, इन कनेक्शन, इन कोऑर्डिनेशन या इन कोऑपरेशन विद द पुलिस। बचपन में ही हम चोर पुलिस खेलते हैं, चोर पुलिस खेलते खेलते चोर और पुलिस बड़े होने के बाद में भी एक दूसरे के साथ में खेलते ही रहते हैं। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोल्यूजन, हमने ये वर्ड किया था ना,
कोल्यूजन का मतलब क्या है? साठगांठ, है ना, मिलीभगत। जब कुछ बुरा करते हो आप, गलत करते हो, गलत काम में अगर आप एक दूसरे का कोऑपरेशन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तो उसे कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन नहीं, कोल्यूजन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? कोल्यूजन। अच्छा, गठबंधन के लिए कौन सा वर्ड था? यस, एब्सोल्युटली, गठबंधन के लिए कौन सा वर्ड था? कौन सा वर्ड हमने देखा था गठबंधन के लिए? कोएलिशन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, कोएलिशन। पॉन्टी का सबसे तेज आंसर आया है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ही इज सो हैंडसम मैन दैट पीपल रन, सॉरी, पीपल टर्न राउंड टू लुक एट हिम। ही इज सो हैंडसम मैन दैट पीपल टर्न राउंड टू लुक एट हिम। बताओ, सो हैंडसम में इंप्रूवमेंट की जरूरत है? He is so handsome man that people turn round to look at him. Yes, बिल्कुल। So handsome, देखो यहां पे man आ गया है ना, इसकी वजह से कहानी थोड़ी सी बदल गई है। अगर ये noun नहीं होता ना, अगर ये नाउन नहीं होता तो आप लिख सकते थे ही इज सो हैंडसम दैट पीपल टर्न राउंड टू लुक एट हिम। ठीक है बच्चों, ही इज सो हैंडसम, हम कहते हैं ना ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक। हम ये थोड़ी कहते हैं ही इज सो वीक मैन दैट ही कैनॉट वॉक। हम कहते हैं ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, ये इतना सुंदर है कि लोग मुड़ मुड़ के उसको देखते हैं। ठीक है, इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ए पलट, ऐसे ही लोग पलट पलट के इसको देखते हैं। ठीक है, लेकिन बात यह है कि यहां पे आ गया है मैन, ये जो नाउन है। ठीक है, अब क्योंकि ये नाउन है, टू हैंडसम के साथ में भी वही होगा बेटा, टू हैंडसम, और इसके साथ में तो आगे आपका टू के साथ में पैर बनेगा। ठीक है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ही इज सच अ हैंडसम मैन। ठीक है, ही इज सच अ हैंडसम मैन। ठीक है, आगे समझ, ही इज सच अ हैंडसम मैन। देखो नाउन आएगा तो नाउन के लिए आर्टिकल की जरूरत है, वो आर्टिकल यहां है। ओके, ठीक है, सो यस, यहां पे आंसर है ऑप्शन बी, इंप्रूवमेंट की जरूरत बिल्कुल है। अगर ये मैन ना होता तो ये सेंटेंस सही था, अगर ये मैन ना होता तो ये सेंटेंस सही था। ठीक है बच्चों, यश प्रजापत, प्रजापत एंड ब्रदर्स, ग्रामर इंप्रूव हो रहा है बिल्कुल। ये 1000 questions, अभी तो हम लोग का ये 5th session है, 1000 questions कंप्लीट होंगे तब ग्रामर में फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप। चलो चलो भाई, एयरफोर्स वालों, नेवी वालों, आ जाओ फटाफट, मुझे बताओ लायन के घर को क्या कहेंगे? होम्स ऑफ एनिमल्स, लायन कहां रहता है? लायन के घर को क्या कहेंगे? लायन कहां रहता है? बिल्कुल, लायन कहां रहता है? डेन में। लायन कहां रहता है? डेन में। डॉग्स कहां रहते हैं? डॉग के घर के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? डॉग के घर के लिए, कमेंट सेक्शन फटाफट। केनल, शाबाश, डॉग कहां पे रहता है? केनल में। काउज कहां रहते हैं?
प्रसन्नजीत सेन, वेरी गुड. हैन के घर को क्या कहेंगे? कूप. हैन के घर को क्या कहेंगे? कूप. हॉर्सेस कहां पे रहते हैं? हॉर्सेस कहां पे रहते हैं? स्टेबल. वेरी गुड. हॉर्सेस कहां पे रहते हैं? स्टेबल में. इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पिग के घर को क्या कहते हैं? चलो अपने आप बता दो बिना ऑप्शन के. पिग के घर को क्या कहते हैं? इस बार आया था आपके एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में. पिग के घर को क्या कहते हैं? पिग जहां रहता है उस घर को. यस, वेरी गुड. पिग जहां पे रहता है हम उसे कहते हैं स्टाय. पिग जहां पे रहता है हम उसे कहते हैं स्टाय. अच्छा, टाइगर, लायन की तो बात हमने कर ली, ये बताओ टाइगर के घर को क्या कहोगे? टाइगर जहां पे रहता है उसे क्या कहते हैं? टाइगर के घर को क्या कहते हैं? हाइव एंड एपियरी. बीज, बिल्कुल निर्भय. ओके, टाइगर जहां पे रहता है उसके घर को कहते हैं लेर. एल ए आई आर, लेर. एल ए आई आर, लेर. टाइगर के घर को कहते हैं लेर. पिग के घर को कहते हैं स्टाई. ठीक है? नहीं, अच्छा लायर मत लिखना, ठीक है? अगर आपने ये लिख दिया एल आई ए आर तो इसका तो मतलब हो गया लायर, झूठा, झूठे, तो मैं आंसर नहीं आता. ठीक है, तो स्पेलिंग ध्यान से लिखना, दोनों भी करेक्ट है. एल आई ए आर का मतलब होता है लायर, झूठ बोलने वाला, और एल ए आई आर लेर है जिसका मतलब है टाइगर का घर, जिसका मतलब है टाइगर का घर. ठीक है, चलो द नेक्स्ट वन. एक बार थोड़ा सा यंग वंस को पढ़ लेते हैं. ठीक है, एनिमल्स एंड उनके पेरेंट्स, यानी यंग वंस, यंग वंस की बात करते हैं. काउ के बच्चे को क्या कहते हैं? देखो, बछड़ा जिसको हम कहते हैं, काउ के बच्चे को कहते हैं काफ. चिकन के बच्चे को कहते हैं चिक. ठीक है, चिकन के बच्चे को कहते हैं चिक. गूज एक तरह का बतख ही होता है. गूज एक तरह का बतख ही होता है. गूज के बच्चे को कहेंगे गूजलिंग. डक के बच्चे को कहेंगे डकलिंग. गूज के बच्चे को कहेंगे गूजलिंग. डक के बच्चे को कहेंगे डकलिंग. कैट के बच्चे को कहते हैं किटन. कैट के बच्चे को कहते हैं किटन. डॉग के बच्चे को कहते हैं पपी. इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी बच्चों, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी. फोर्थ वाले का भी, हाँ मैंने भेजा नहीं है पीडीएफ. फोर्थ और फिफ्थ पीडीएफ दोनों साथ में मैं आप लोगों का वाईफाई शॉर्ट या टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी. ठीक है, और ये सब चीज आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा. पिग के बच्चे को कहते हैं पिगलेट. यार पिगलेट तो सबसे क्यूट लग रहा है, ये पिकाचू जैसा लग रहा है, इसकी आंखें बिल्कुल पिकाचू जैसी लग रही है. पिग के बच्चे को कहते हैं पिगलेट. ठीक है, ये तीन देखो बहुत इंपॉर्टेंट. डियर के बच्चे को कहते हैं फॉन. डियर के बच्चे को कहते हैं फॉन. सारे बच्चे याद करेंगे, अभी आप बताओगे मुझे. डियर के बच्चे को कहते हैं फॉन. शीप के बच्चे को कहते हैं लैम्ब. शीप के बच्चे को कहते हैं लैम्ब. और हॉर्स के बच्चे को कहते हैं फोल. हॉर्स के बच्चे को कहते हैं फोल. ठीक है, ओके, चलो. अच्छा, इसके साथ में ये भी देख लो, शीप जहां पे रहता है शीप के घर को क्या कहते हैं? शीप के घर को क्या कहते हैं? शीप के बच्चे को तो कहते हैं लैम्ब, और शीप के घर को क्या कहते हैं?
पेन, शीप कहाँ पे रहता है? पेन में। अच्छा, उसका ये पेन मतलब नहीं है, उसका जो घर बनाते हैं उसे पेन कहते हैं, जो चारों ओर से घेर कर घर बनाते हैं उसे पेन कहते हैं, ठीक है? ओके, पेन पेन पेन, यस, वेरी गुड, शाबाश, चलो ठीक है। अच्छा, हॉर्स के बच्चे को क्या कहते हैं? हॉर्स के बच्चे को एक बार बिना मतलब देखे बता दो, देखो याद है कि नहीं। हॉर्स के बच्चे को क्या कहेंगे? रैबिट के होम को बरो कहते हैं बेटा सौरभ, रैबिट जहां पे रहता है बरो कहते हैं उसे। फोल, शाबाश, वेरी गुड। फॉन किसका बच्चा था? फॉन, FAWN, फॉन। फॉन किसके बच्चे को कहते हैं? फॉन किसके बच्चे को कहते हैं? वेरी गुड। अच्छा, डियर का प्लूरल बता दो। डियर का प्लूरल, डियर का प्लूरल, मैम डियर का प्लूरल डियर ही रहेगा क्योंकि इसका प्लूरल नहीं बनता है। गुड, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन। सिंस 1986 देर इज नो अर्थक्वेक्स हियर। Since 1986, देखो यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करेंगे, बहुत इजी है लेकिन फिर भी गड़बड़ करोगे, मुझे पूरा यकीन है, मेरे इस यकीन पर खरे नहीं उतरना है। यश प्रजापत बोल रहा है लाइव वॉचिंग ज्यादा, लाइक्स कम, बिल्कुल ये तो नाइंसाफी है यार। कौन 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 है ये नाइंसाफी करने वाले बच्चे? यार पढ़ रहे हो, क्लास हेल्पफुल लग रही है तो एक बार लाइक बटन भी प्रेस कर दिया जाए। इतना तो आप मैम के लिए कर ही सकते हो, या ये भी नहीं कर सकते? चलो CACD, चलो बी, हमें पता है कि बी नहीं आएगा, ठीक है? जो बच्चे यहां पे ध्यान नहीं देंगे वो बोलेंगे मैम ये प्लूरल है तो यहां पे आर लिख दो, प्लूरल वर्ब लिख दो, लेकिन ये भी नहीं आएगा। सिंस 1986 अगर हमने बोल दिया, सिंस 1986 बोल दिया, तो सिंस प्लस टाइम है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है, और प्रेजेंट परफेक्ट है आंसर ऑप्शन सी, प्रेजेंट परफेक्ट है आंसर ऑप्शन सी। सिंस 1986 देयर हैव बीन नो अर्थक्वेक्स हियर, सिंस की वजह से आपका जो चॉइस ऑफ द आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, ठीक है? आदित्य भारद्वाज, बेटा डी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम नो अर्थक्वेक्स बोल रहे हैं, प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब हमेशा अगर सेंटेंस में देर है शुरुआत में तो आगे जो सब्जेक्ट होगा ना उसके मुताबिक आप वर्ब यूज करेंगे, और यहाँ पे वर्ब हमें प्लूरल यूज करना है, ठीक है? चलो द नेक्स्ट वन। गलीलियो सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, बताओ इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नो इंप्रूवमेंट? गलीलियो सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, गलीलियो सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द, शाबाश, बहुत अच्छे। गलीलियो ने जो कहा, सेड के बाद में आगे पास्ट आना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वो फैक्ट होगा तो हम तो उसको सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, फैक्ट होगा तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, ठीक है? सो गलीलियो सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये फैक्ट है तो इसीलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी, शाबाश, यूनिवर्सल ट्रुथ है, फैक्ट है, बिल्कुल। बहुत ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। द इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया,
स्टूड क्वाइटली, चुपचाप खड़ा रहा फॉर फ्यू मोमेंट्स. बताओ इंप्रूवमेंट की जरूरत है. द इंट्रूडर स्टूड क्वाइटली फॉर फ्यू मोमेंट्स. क्या हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है? यस मैम, बिल्कुल इंप्रूवमेंट की जरूरत है. फ्यू मोमेंट्स का मतलब है नो मोमेंट्स, ठीक है. लेकिन हमें तो कहना है, हाँ कुछ टाइम के लिए वो चुपचाप खड़ा रहा, कुछ टाइम के लिए वो चुपचाप खड़ा रहा. तो हमें कहना है यस, वेरी गुड. हम कहेंगे फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. फ्यू मोमेंट्स मतलब नो मोमेंट्स, ठीक है. कुछ टाइम के लिए खड़ा ही नहीं रहा, वो चला गया, ठीक है. यहां पे हम कहना चाहते हैं कि वो चुपचाप थोड़ी देर खड़ा रहा था, ठीक है. देखने के लिए कोई उसको देख तो नहीं लिया, इंट्रूडर घुसपैठिया है ना. चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है, राइट. सो फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, चुपचाप, मुझे किसी ने देख तो नहीं लिया, मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा. अच्छा, फ्यू टाइम नहीं कह सकते हैं, टाइम अनकाउंटेबल होता है. टाइम अनकाउंटेबल होता है और फ्यू के साथ में तो हम प्लूरल काउंटेबल यूज करते हैं, ठीक है. और फॉर द फ्यू मोमेंट्स हमें नहीं कहना है, फॉर द फ्यू मोमेंट्स हमें नहीं कहना है, क्योंकि द फ्यू का तो मतलब हो गया निश्चित. हम किसी निश्चित समय की बात नहीं कर रहे, हम ये बस कह रहे हैं कि थोड़े समय के लिए, थोड़ी देर के लिए वो चुपचाप खड़ा रहा देखने के लिए, उसे किसी ने देख तो नहीं लिया. हु डज नॉट नो दैट दिस वॉज ब्रॉडकास्टेड 10 days ago. Who does not know that this was broadcasted 10 days ago? बच्चों कहाँ पे improvement आएगा या कोई improvement नहीं आएगा. चलो, who does not know? किसे नहीं पता है कि इसका broadcast 10 दिन पहले ही हो गया था? Yes, absolutely. Broadcasted कोई word नहीं होता है. इसका V3 form भी ब्रॉडकास्ट ही है. इसका V2 और V3 फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट ही है. तो आंसर है आपका ऑप्शन बी. हु डज नॉट नो दैट दिस वॉज ब्रॉडकास्ट 10 days ago. ब्रॉडकास्टेड बोलने में बहुत अच्छा लगेगा, हमें लगेगा कि हाँ हमने सही बोला, लेकिन वो गलत होगा, ठीक है. हु डज नॉट नो, किसे नहीं पता दैट दिस वॉज ब्रॉडकास्ट 10 days ago, ठीक है. चलो बढ़िया, अगला क्वेश्चन. आई विश आई वॉज विथ हर. काश, आई विश, जब आप कह रहे हो मतलब आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं, ठीक है. ये रियलिटी नहीं है, आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं. आई विश, काश मैं उसके साथ होता, है ना. कुछ लोग फील भी कर लेंगे इस सेंटेंस को. चलो फील करके ही इसको सही कर दो, फील करके ही इसे सही कर दो, कोई गलत नहीं करेगा. हर रोज जो हम 30 questions डिस्कस करेंगे, सारे बच्चों को देखना है कि 30 में से आपको कोशिश करना है कि 25+ ही आपका स्कोर आए, है ना. देखो देखो, जिन्होंने भी फील कर लिया वो हंस रहे हैं. सो आई विश, काश मैं उसके साथ होता, रियलिटी नहीं है ये. आई विश कह रहे हो मतलब काश, मतलब ये कल्पना है, और कल्पना के लिए, काल्पनिक दुनिया में जाते ही सभी सब्जेक्ट के साथ वर लग जाता है. काल्पनिक दुनिया में जाते ही सभी सब्जेक्ट्स के साथ में वर लग जाता है, ठीक है. चलो बढ़िया, द नेक्स्ट वन. दे अपॉइंटेड हिम एज अ मैनेजर एज ही इज एफिशिएंट. वो बहुत एफिशिएंट है, इसीलिए उसे मैनेजर अपॉइंट कर दिया गया है. नियुक्त, अपॉइंट करना मतलब नियुक्त करना, नियुक्ति. चलो बच्चों फटाफट से आंसर बताओ. दे अपॉइंटेड हिम They appointed him as a manager, as manager, a manager, या सिर्फ manager. Okay. देखो, appoint एक ऐसा verb है जिसके साथ हमें as adverb use नहीं करना है. As adverb use नहीं करना है. जिन्होंने नोट नहीं किया है वो नोट करें. Net AMCCC. Net AMCCC. ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ आपको एज नहीं यूज करना है. नेम, इलेक्ट, थिंक, अपॉइंट, मेक, कॉल, कंसिडर, चूज.
नेम इलेक्ट थिंक अपॉइंट मेक कॉल कंसिडर चूज, इन सभी के साथ में एज यूज नहीं करना है, ठीक है। दे अपॉइंटेड हिम, उसे अपॉइंट किया, मैनेजर, उसे मैनेजर अपॉइंट किया, एक मैनेजर अपॉइंट नहीं किया है, एज दे अपॉइंटेड हिम अ मैनेजर नहीं कहेंगे, ठीक है। दे अपॉइंटेड हिम मैनेजर, सीधा पोजीशन का नाम आप बता रहे हो कि उसको ये अपॉइंट किया गया है। अ मैनेजर मतलब एक मैनेजर, उसे एक मैनेजर बनाया गया है। किसी को दो मैनेजर बना सकते हैं क्या? है ना, तो बनेगा तो एक ही मैनेजर बनेगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है। सो दे अपॉइंटेड हिम मैनेजर एज ही इज एफिशिएंट, दे अपॉइंटेड हिम मैनेजर एज ही इज एफिशिएंट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन शुड एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस काफी बनते हैं। वन शुड एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, सही है या किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सही है या किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वन शुड एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, वन शुड एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, शाबाश। अगर आपके सेंटेंस में वन जनरल सेंस में आप कह रहे हैं वन शुड एक्सरसाइज, तो वन का पोजेसिव बनेगा वंस, वन का पोजेसिव बनेगा वंस, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। और फटाफट से आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर, मेनी अ मैन हैव डाइड ऑफ कैंसर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। Many a man have died of cancer. Many a man have died of cancer. Many a man have died of cancer. Yes, very good. Many a man, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, और many a man सिंगुलर हो गया है, इसलिए आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करना पड़ेगा, वो है has. So many a man has died of cancer. तो हमारा आंसर एक ही है और वो है ऑप्शन सी, आंसर एक ही है और वो है ऑप्शन सी, वेरी गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक बिल्कुल क्लियर चल रहा है बच्चों? फटाफट से एक बार थम्स अप दे दो, यहां तक बिल्कुल क्लियर चल रहा है? क्विकली एक बार थम्स अप दे दो। चलो, मेनी अ मैन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आदित्य, वेरी गुड। माय एल्डर सिस्टर एंड हर डॉटर हेल्प्स मी इन माय डोमेस्टिक वर्क, मेरी बड़ी बहन और उसकी बेटी मुझे मेरे घर के काम में मदद करती है। माय एल्डर सिस्टर एंड हर डॉटर हेल्प्स मी इन माय डोमेस्टिक वर्क, बताओ का इंप्रूवमेंट आएगा इन सेशंस के बाद? ये 1000 एमसीक्यूज वाला जो सेशन है, इन सेशंस के बाद आपका कंप्लीट ग्रामर रिवाइज हो जाएगा, कंप्लीट ग्रामर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज बहुत पढ़ लिया आप लोग ने, अब मिक्स्ड क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तब आंसर करना सीखें। चैप्टर वाइज बहुत पढ़ लिया है, हाँ कोई अगर स्पेसिफिक चैप्टर्स है जिनको लेके थोड़ी दिक्कत है तो वो आप मुझे बता देंगे, स्पेसिफिक चैप्टर्स है जिनको लेके थोड़ी दिक्कत है तो वो आप मुझे बता देंगे, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे और उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। यस, वेरी गुड, हम कहेंगे ए, क्यों? क्योंकि दो जन हो गए ना, एक तो बड़ी बहन दूसरी उसकी बेटी, दो जन हो गए तो यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब यूज करना है, तो हेल्प मी इन, हेल्प्स नहीं आएगा। अब यहाँ पे प्लूरल वर्ब है लेकिन हेल्प मी अबाउट, काम के बारे में नहीं, काम में मदद करते हैं। काम के बारे में मदद करना मतलब क्या? चलो द नेक्स्ट वन, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
यस, वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है ऑन। कॉम्प्लीमेंट के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है ऑन। बच्चों ये बताना, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? यस, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में भी प्रेपोजिशन आएगा ऑन। प्रोनाउन में दिक्कत है? ठीक है पॉन्टी, प्रोनाउन के क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, यस, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में भी प्रेपोजिशन आएगा ऑन। अगला क्वेश्चन, इट इज टाइम द 6 years old इज लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट। इट इज टाइम द 6 years old इज लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलो आंसर बताओ, पहले आंसर बता दो फिर देखते हैं। यस यश, बिल्कुल। एंड और में डिफरेंस है। और होगा तो हम सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे, एंड है तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। ठीक है, ओके। ए बी में कंफ्यूजन है, कुछ बच्चों को लग रहा है सी बी। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है। देखो, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इन सभी स्ट्रक्चर्स के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाता है तो इसके बाद में वर्ब सेकंड फॉर्म में आएगा। इन सब के बाद अगर सब्जेक्ट आ गया, देखो यहां पे सब्जेक्ट आ गया, इट इज टाइम द 6 years old सब्जेक्ट आ गया, तो वर्ब कौन से फॉर्म में आना चाहिए? वर्ब कौन से फॉर्म में आना चाहिए? V2 फॉर्म में, है ना। सो इट इज टाइम द 6 years old लर्नड हाउ टू रीड एंड राइट। समय हो चुका है कि ये 6 साल का बच्चा सीखे कैसे लिखना है और पढ़ना है। ठीक है, इट इज टाइम द 6 years old इज लर्निंग के बदले आप लर्नड लिखेंगे। इज लर्निंग नहीं आएगा आंसर, आपका आंसर आएगा लर्न टू, V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर एवरीवन? चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट 11 क्वेश्चंस रह गए हैं, लास्ट 11 क्वेश्चंस। पूरा जोर लगा दो, अभी तक भी अगर गलत हुआ है तो अब आगे गलत नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि गलत हो गया और वहीं पर आप लोग हिम्मत हार जाएं कि यार बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, जितना गलत हो रहा है एक्सप्लेनेशन सुनो उतना सीखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो। ही प्लेज क्रिकेट एंड टेनिस ऑल्सो, ही प्लेज क्रिकेट एंड टेनिस ऑल्सो। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, ही प्लेज क्रिकेट एंड टेनिस ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब भी होता है, ठीक है, लेकिन ऑल्सो एक ऐसा शब्द है जो हम सेंटेंस के अंत में नहीं लगा सकते हैं। ऑल्सो एक ऐसा शब्द है जिसको हम सेंटेंस के अंत में नहीं लगाते हैं। ही प्लेज क्रिकेट एंड टेनिस ऑल्सो नहीं लिखना है। अब भी के लिए दूसरा वर्ड क्या है? टू। तो ये रहा आपका आंसर, ही प्लेज क्रिकेट एंड टेनिस टू। वो क्रिकेट खेलता है और टेनिस भी। ही प्लेज क्रिकेट एंड टेनिस टू। ओके, यस, बोथ नहीं। देखो दो चीज आ गया, अगर मान लो यहां पे 3 चीजें होती, यहां पे 2 गेम्स है, तो आप बोथ कह रहे हैं। ठीक है, बात यह है कि एंड पोजीशन पे अगर आपको भी कहना है तो आप या तो टू कहेंगे या तो और एक वर्ड जो आप कह सकते हैं वो है एज वेल। एज वेल एज नहीं, सिर्फ एज वेल। ही प्लेज क्रिकेट एंड टेनिस एज वेल, या ही प्लेज क्रिकेट एंड टेनिस टू। ऑल्सो एंड पोजीशन में नहीं आएगा। लास्ट 10 क्वेश्चंस, रेडी सोल्जर्स, रेडी सोल्जर्स, लास्ट 10 क्वेश्चंस। ओके, चलो एक बार फिर से डिसाइड करो, हर क्वेश्चन पर निर्णय करो। अगला क्वेश्चन गलत नहीं होना है, अगला क्वेश्चन गलत नहीं होना है, अगला क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, द बॉय विच केम टू सी मी दिस मॉर्निंग हैड कम फ्रॉम आगरा। जो लड़का सुबह मुझसे मिलने आया था वो आगरा से आया था।
आगरा के बहुत सारे बच्चे हैं, है ना? द बॉय विच केम टू सी मी दिस मॉर्निंग हैड कम फ्रॉम आगरा. अच्छा यहां पे भी बता दो कौन कौन बच्चे हैं जो हमारे आगरा से कनेक्टेड हैं. चलो सब लोग बता दो, एक बार सारे बता दो कहां कहां से आए हो, कहां कहां से बच्चे कनेक्टेड है, एक बार फटाफट से बता दो कमेंट सेक्शन में. आगरा, ओके. गाजीपुर, मुंबई, राजस्थान, बिहार, पंजाब, लखनऊ, मथुरा, कानपुर, देहरादून, छपरा, जम्मू, लखनऊ. अरे बहुत खतरनाक, बहुत बढ़िया. पूरा भारत इस समय जाग चुका है ना? बहुत ही शानदार. सो द बॉय, बच्चों विच हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, विच यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है? लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, लेकिन अगर चॉइस होगा, अगर इनका सिलेक्शन हो रहा है, चॉइस हो रहा है, ठीक है, तब लिविंग थिंग्स के लिए यूज करेंगे. सिर्फ एक कंडीशन पर, खास एक कंडीशन है कि सिलेक्शन हो रहा है. आपका भी तो, आप जब सिलेक्ट हो जाते हो तो आप यही कहते हो ना, सिलेक्शन हुआ है मेरा, है ना? क्योंकि बहुत सारे में से आपको चूज कर लिया गया, आपको नियुक्त कर लिया गया है, ठीक है? सो जब ऐसा वाला सिलेक्शन होगा, ऐसा वाला जब सिलेक्शन होता है, तब हम लिविंग थिंग्स के लिए विच यूज करेंगे, नहीं तो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. अब यहाँ पे हम, मैं सिलेक्शन तो करने दी हूँ, बहुत सारे लड़के नहीं है जो मुझसे मिलने आए. एक ही लड़का आया था सुबह सुबह मुझसे मिलने के लिए, वो आगरा से आया था. सिलेक्शन की तो कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ पे विच नहीं यूज होगा, हम कहेंगे हु. विच नहीं यूज होगा. हम कहेंगे हु, ठीक है? चलो बढ़िया. हिज फादर रोट टू हिम. राइट टू हिम मतलब क्या? चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है. किसकी? पिताजी की, पापा की, ठीक है? हिज फादर रोट टू हिम. तुम तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने के लिए घर से निकले हो, ठीक है? पापा चिट्ठी लिख के बोलते हैं, देख बेटे बहुत मस्ती कर लिया, अब समय आ गया है कि तू पढ़ाई करना शुरू कर दे. इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन. अभी अभी हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है. यार इस क्वेश्चन को तो एकदम 100% सही कर दो, इस क्वेश्चन को एक बार 100% सही कर दो. शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम खतरनाक. यस, पापा लिख के बोल रहे हैं, बेटे बहुत मस्ती कर ली, अब समय है, तैयारी शुरू कर दे, एग्जाम आ रहा है, आ गया है, आ रहा है नहीं, आ गया है. इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन. ओके चलो बढ़िया. अगला वाला क्वेश्चन फटाफट से, फटाफट 7 क्वेश्चन निपटाते हैं, फिर उसके बाद वोकैबुलरी वाली क्लास स्टार्ट करनी है. मुझे 3-4 मिनट का बीच में गैप दे देंगे, थोड़ा सा कीज वगैरह सेट करना है, बाकी सब कुछ तो सेट है, बस की कॉपी करना रहेगा मुझे. My brother as well as my sister are staying with me. My brother as well as my sister are staying with me. अभी next session में हम लोग idioms करेंगे. इसके पहले वाली vocabulary में हमने synonyms किया था ना, आज idioms करेंगे, ठीक है? My brother as well as my sister are staying. शाबाश, बहुत अच्छे. मैम as well as आ गया, तो भाई हम तो सिर्फ first subject ही देखेंगे. First subject singular है, तो verb singular आएगा. और ये रहा आपका answer. शाबाश, ये रहा आपका आंसर. माय ब्रदर एज वेल एज माय सिस्टर इज स्टेइंग विद मी. माय ब्रदर एज वेल एज माय सिस्टर इज स्टेइंग विद मी. यू मस्ट कंप्लाई, प्रेपोजिशन फेवरेट. कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना, ओबे करना. द रूल्स लेड डाउन बाय द कमिटी. कमिटी द्वारा बनाए गए रूल्स का आपको पालन करना है. कमिटी की स्पेलिंग याद है ना, स्पेलिंग एरर्स में आ जाता है, इस बार तुम्हारे एग्जाम में आया भी था. कमिटी में डबल एम आई डबल टी डबल टी डबल ई. यस, कंप्लाई के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा विथ. यू मस्ट कंप्लाई विथ द रूल्स लेड डाउन बाय द कमिटी. कमिटी द्वारा बनाए गए नियमों का तुम्हें पालन करना पड़ेगा. यू मस्ट कंप्लाई विथ, यू मस्ट कंप्लाई विथ. शाबाश, बहुत अच्छे. कमिटी की स्पेलिंग एक बार फटाफट सारे बच्चे कमेंट में लिख के दिखा देंगे.
याद रखना डबल एम आई डबल टी डबल ई, स्पेलिंग एरर्स में, स्पेलिंग एरर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस बार एयरफोर्स के एग्जाम में आपका आया भी था कमेटी का स्पेलिंग, ठीक है। ये 1000 एमसीक्यूज हो जाएंगे, जल्दी हो जाएगा ये 1000 एमसीक्यूज। अभी हमारी क्लास रेगुलर चलेगी, ठीक है। किसी किसी दिन दो दो तीन तीन घंटे का स्पेशल सेशन ले लूंगी जिसमें हम 100-150 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में बिल्कुल जो लास्ट लास्ट मैराथॉन्स होगा ना, उसमें आपके प्रीवियस ईयर्स जो आए हैं क्वेश्चंस वो सारे करवा दूंगी मैं, ठीक है। चलो द नेक्स्ट वन, लास्ट 5 क्वेश्चंस। ही एक्सीडेड, बेटा एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, मान लेना, ठीक है। प्रेपोजिशन, ही एक्सीडेड डैश माई रिक्वेस्ट, मेरे निवेदन को, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन, मेरे निवेदन को उसने स्वीकार कर लिया। फिक्स्ड प्रेपोजिशन अगेन, ही एक्सीडेड, शाबाश, एक्सीड टू यानी कि स्वीकार कर लेना, एक्सीड टू यानी कि स्वीकार कर लेना, शाबाश। शुड स्टार्ट भी तो होगा मैम, शुड किसका शुड बोल रही है पता नहीं बेटा। चलो, सो ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया है। आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई इज ही सो लेजी, मैंने उससे पूछा कि वो इतना आलसी क्यों है, क्यों, why this cola very d, क्यों इतना आलसी है बताओ। चलो ये भी अंडरलाइन है, ये भी अंडरलाइन है। I asked him that why he is so lazy. Yes, बिल्कुल, जब भी asked वर्ड आ गया, यहाँ पे asked, interrogated, questioned, ऐसा रिपोर्टिंग वर्ब आ गया, that और why दोनों भी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, यहाँ पर दोनों भी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और हमें एक साथ दो रिलेटिव प्रोनाउंस की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं क्या, हम यूज ही नहीं करते हैं, दो साथ दो रिलेटिव प्रोनाउंस साथ यूज नहीं होंगे, तो हम दैट हटा के, और जब डब्ल्यू एच क्वेश्चन आता है तो हम डब्ल्यू एच वर्ड को ही रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं, तो दैट हटाएंगे, सो आंसर बन जाएगा हमारा वाई। अच्छा, वाई ही इज और वाई ही वॉज में सेंटेंस आपका पास्ट बन चुका है, तो आगे भी आपको पास्ट कंटिन्यू करना है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट बन चुका है तो आगे पास्ट कंटिन्यू करना, इसीलिए बी भी नहीं आएगा। आप बोलेंगे मैम दैट हटाया तो इज तो होना चाहिए, तो ये भी आंसर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आगे पास्ट आना चाहिए, ठीक है। देखो दो कॉन्सेप्ट आपका, एक तो सब्जेक्ट टेंसेस और दूसरा ये रिलेटिव प्रोनाउंस है ना, प्रोनाउंस का भी कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे और टेंसेस का भी, दो टॉपिक से एक साथ में क्वेश्चन पूछ लिया है, दो टॉपिक से एक साथ में क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द प्रिंसिपल हैज आस्क्ड द टीचर, द प्रिंसिपल हैज आस्क्ड द टीचर टू मेक द चिल्ड्रन लर्न अल्फाबेट्स, द प्रिंसिपल हैज आस्क्ड द टीचर टू मेक द चिल्ड्रन लर्न अल्फाबेट्स, आंसर बताओ। इट इज हाई टाइम के साथ शुड स्टार्ट भी तो होगा, इट इज हाई टाइम, बेटा मॉडल आएगा तब अलग बात हो जाती है, मॉडल आएगा तब बात अलग हो जाएगी, ठीक है। मॉडल शुड भी आएगा और 2+V1 भी आता है, इन्फिनिटिव भी आता है, वो भी क्वेश्चंस कराऊंगी, अभी समझ आया आपका डाउट, ठीक है। शुड भी आएगा, बिल्कुल सही है, शुड, 2+V1, इन्फिनिटिव भी आता है बल्कि, ठीक है, वो भी क्वेश्चंस करेंगे आज। इट इज हाई टाइम वाला एक कॉन्सेप्ट किया है खाली, ठीक है, ओके। एब्सोल्यूटली, द प्रिंसिपल हैज आस्क्ड द टीचर्स, टीचर्स को बोला कि तुम बच्चों को अल्फाबेट्स नहीं कहते हैं, A to Z सारे लेटर्स को कहते हैं अल्फाबेट, अल्फाबेट ये अपने आप में ही प्लूरल है, ठीक है, कलेक्शन है ये पूरा A to Z, तो अल्फाबेट्स कुछ नहीं होता है। A to Z, द प्रिंसिपल हैज आस्क्ड द टीचर टू मेक द चिल्ड्रन लर्न अल्फाबेट, लर्न अल्फाबेट मतलब A to Z पढ़ाओ बच्चों को, ठीक। So yes, the error is in the C part. The next one,
When I lived in Allahabad, जब मैं इलाहाबाद में रहता था, I was going to the cinema once a week. हफ्ते में एक बार मूवी देखने जरूर जाता था. When I lived in Allahabad, I was going to the cinema once. When I lived in Allahabad, yes, 7:30 वाली वोकैब वाली क्लास अभी स्टार्ट होगी. अभी दो क्वेश्चन और हैं, दो क्वेश्चन और निपटा के फिर हम लोग 7:30 की वोकैबलरी वाली क्लास स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, चलो. When I lived in Allahabad, I was going to the cinema once a week. शाबाश. पास्ट हैबिट की बात बता रहे हो आप. हर हफ्ते में एक बार मूवी देखने जाते ही थे. 30 क्वेश्चंस को 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है. जल्दी लपेटने की कोशिश कर रही हूँ मैं, बट फिर भी जल्दी जल्दी में उड़ाना नहीं है कि कॉन्सेप्ट आपको ना बताएं, है ना. तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे. सारे बच्चे आप ही लोग तो हो, ठीक है. अभी बस यहाँ से वहां, एक क्लास में से दूसरी क्लास में दौड़ के पहुंचना है. ठीक है, तुम वहां से दौड़ के पहुंचना, मैं यहाँ से दौड़ के फटाफट दूसरी क्लास में पहुंच जाऊंगी. चलो. सो व्हेन आई लिव्ड इन इलाहाबाद, आई वेंट. पास्ट हैबिट बताने के लिए वी टू यूज करते हैं. पास्ट हैबिट बताने के लिए वी टू यूज करते हैं. हाँ, तुम लोग वहां से रफेल से पहुंच जाना दूसरे क्लास में. ठीक है, मैं यहाँ से दौड़ते दौड़ते आ जाऊंगी दूसरे वाले क्लास में, वो क्या वाले. ठीक है, यस. आपका आंसर क्या आएगा? आई वेंट टू द सिनेमा वंस अ वीक. मैं सिनेमा में एक बार हफ्ते में, सिनेमा में मतलब मूवी देखने जाता था. ठीक है, चलो. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. ही हैज ब्रॉट 4 ब्रेड्स फॉर लंच टुडे. आज वो 4 ब्रेड लाया है लंच पे. ही हैज ब्रॉट 4 ब्रेड्स फॉर लंच टुडे. देखो बच्चों, पहली बात तो ब्रेड अनकाउंटेबल है ना. ब्रेड तो अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल नहीं होता है. 4 ब्रेड्स नहीं कह सकते हम, है ना. तो 4 ब्रेड्स नहीं कहेंगे तो इसे सही कैसे करें? पहले तो ये एस हटाओ, क्योंकि ब्रेड का ब्रेड्स नहीं बनता है. दूसरी, 4 स्लाइसेस या पीसेस लिखो. 4 स्लाइसेस या पीसेस ऑफ ब्रेड. ही हैज ब्रॉट 4 स्लाइसेस और पीसेस ऑफ ब्रेड. बी में एरर है. फॉर लंच टुडे. ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन. लास्ट और एकदम खतरनाक वाला क्वेश्चन. इसको सारे सही कर देंगे बिल्कुल. या तो 4 स्लाइसेस या 4 पीसेस ऑफ ब्रेड कहेंगे. ठीक है, ब्रेड्स नहीं कहना है, ब्रेड्स नहीं कहना है. व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच? तुम्हारी घड़ी में कितना बज रहा है? भाई मुझे तो लग रहा है कि वो कैबलरी वाली क्लास का टाइम हो गया है. व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच? बताओ आंसर क्या होगा. शाबाश, खतरनाक, बहुत बढ़िया. ठीक है, देखो हम किसी इंसान की घड़ी की बात नहीं करेंगे. क्यों? इन योर वॉच, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच? तुम्हारी घड़ी में कितना बज रहा है, तुम्हारे घड़ी के हिसाब से कितना समय हो रहा है. बाय योर वॉच का मतलब होता है तुम्हारे घड़ी के हिसाब से कितना समय हो रहा है. ठीक है, इन योर वॉच मतलब ऐसा भी हो सकता है कि घड़ी को तुमने 5 मिनट तेज कर रखा है. ठीक है, 5 मिनट तुमने स्लो रखा है, तेज कर रखा है. सो इन इन योर वॉच की बात नहीं है. हम ये पूछेंगे तुम्हारी घड़ी के मुताबिक क्या समय चल रहा है. व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? रिमेंबर, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. ओके, चलो. सो दैट्स ऑल फॉर द ग्रामर 1000 MCQs सेशन. स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड. फटाफट से चाय, दूध, कॉफी, पानी, जो भी पीना है फटाफट से 1-2 मिनट में आ जाओ. और तब तक मैं दूसरा सेशन स्टार्ट कर रही हूँ वोकैबुलरी का. आज हम लोग इडियम्स करेंगे. ठीक है, सो मिलते हैं इडियम्स वाली क्लास में. तब तक के लिए नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन.